वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इफेक्टिव मैनेजर की क्वालिटीज़ के बारे में। लास्ट क्वालिटी हमने देखी कि जो इफेक्टिव मैनेजर होते हैं वो उन्हें एजेंडा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एजेंडा के हिसाब से काम करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप एक इफेक्टिव मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको एजेंडा के हिसाब से काम करना होगा। अब एजेंडा बन गया, आपने डिस्कशन कर लिया, डिस्कशन करने के बाद में जो जो भी पॉइंट आपने डिस्कस किया उसको रिकॉर्ड करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिकॉर्डिंग जो मतलब जो भी डिस्कशन हुआ उस पॉइंट को जो रिकॉर्ड करके रखते हैं उसको कहा जाता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो हम इसी स्लाइड में आगे देखने वाले हैं। तो हम और जो भी आपने डिस्कशन किया, जो भी आपने पॉइंट फाइनल किया कि इस काम को इस तरह से करना है, ये तो आपने डिसाइड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप काम करना है। अगर आपने काम किया या नहीं किया वो चीज़ का रिकॉर्ड भी रखना है। तो वो कैसे पता चलेगा एक मैनेजर को कि कोई जो डिसीजन लिया गया है वो काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है या उसकी प्रोग्रेस कैसी है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक रिव्यू मीटिंग करनी होती है। रिव्यू मीटिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपने काम दिया वो काम हुआ नहीं हुआ या उसका क्या स्टेटस है, उसकी जानकारी लेने को हम बोलते हैं रिव्यू मीटिंग। रिव्यू मीटिंग जो होती है वो अलग अलग लेवल पे होती है। कुछ काम आपको सवेरे दिए गए हैं जो कि शाम को आपको कंप्लीट करके जाना है। तो जो दिन भर के काम को मतलब सुबह जो काम दिया गया है और शाम की जो रिपोर्टिंग हो रही है, जो डे एंड रिपोर्ट होती है वो कहलाती है वन डे, डे एंड रिपोर्ट कहलाती है, जो कि सुबह से लेकर शाम तक के जो आपने काम किया उसकी पूरी जानकारी उस रिपोर्ट में आपको सभी एम्प्लॉय जितने भी लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनको देनी होती है। ठीक है, डे एंड रिपोर्ट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों को काम करने के लिए छोड़ दिए और आप ये सोच रहे हैं कि जो आपने कहा है वो जितनी भी आपकी टीम के लोग हैं वो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बड़े मोटिवेटेड होके वो सारा काम चल रहा है, तो ऐसा होता नहीं है। सारे के सारे लोग इक्वली मोटिवेटेड नहीं होते। तो इक्वली मोटिवेटेड जो नहीं लोग रहते हैं, जो मोटिवेटेड है वो तो काम कर लेंगे, पर जो मोटिवेटेड नहीं है वो जब डे एंड रिपोर्ट भरेंगे ना तो उनको पता चल जाएगा कि आज हमने क्या क्या काम नहीं किया। तो हो सकता है कि उनमें से 10 काम को वो थोड़ा सा समय रुक के कंप्लीट करके फिर घर जाएं, नहीं तो सुबह दूसरे दिन जल्दी आके उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो ये डे एंड रिपोर्ट रिपोर्टिंग लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद तो है ही, पर साथ ही साथ में एम्प्लॉय के लिए भी है, क्योंकि एम्प्लॉय को रात को लिख के जाना है कि वो क्या क्या काम दिन भर में किया और उसे कौन कौन से काम दिए गए थे। तो हर एक व्यक्ति जब लास्ट में लिखता है ना कि मैंने ये काम किया या मैंने ये काम नहीं किया, तो उसको रीजनिंग लिखनी पड़ती है कि क्यों मैंने ये काम नहीं किया या क्यों आज ये काम कंप्लीट नहीं हो सका। तो अगर दिन भर व्यक्ति खाली बदमाशी करते हुए अपना समय बिता रहा होगा तो रात को उसको याद आएगा कि मैंने तो यार दिन भर का समय बर्बाद कर दिया, तो वो या तो रात को बैठ के काम करेगा या तो फिर सुबह दूसरे दिन जल्दी आके काम करेगा, पर वो काम करेगा, क्योंकि वो रिपोर्ट में वो रोज़ ये नहीं लिख सकता कि मैंने आज ये वाला काम नहीं किया, क्योंकि आज जो काम कंप्लीट नहीं हुआ वो बाय डिफ़ॉल्ट कल के काम में ऐड हो गया। ठीक है, तो डे एंड रिपोर्ट रिव्यू मीटिंग जो होती है उसमें सबसे पहला जो रहता है वो डे एंड रिपोर्ट कहलाता है। ठीक, अब इसी तरह की जो रिव्यू मीटिंग होती है, रिव्यू मीटिंग्स जो होती है वो आपको हर एक अलग अलग विभाग, हर एक अलग अलग विभाग का मतलब ये है कि हमने मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस देखे, हर फंक्शन में कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाता होगा और हर डिसीजन पे क्या एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया या काम किया गया या नहीं किया गया उसका आपको देखना होगा कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में आपको अपने जो एक हफ्ते का समय है, हफ्ते भर में आपको हर रोज कम से कम एक या दो वीकली रिव्यू मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। सपोज सोमवार को अगर आपने दो विभाग की मीटिंग रखी, किसकी किसकी, एक MIS वाले की जो MIS टीम है उसकी और साथ ही साथ में ऑपरेशन टीम की, इन दोनों की आधा आधा घंटे की मीटिंग होगी और इनको पिछले हफ्ते क्या काम दिया गया था उसका रिव्यू होगा और आगे के जो भी सारे काम हैं वो जो अभी नया एजेंडा जो पिछले कुछ दिन पहले डिसाइड किया गया था उसके हिसाब से वो काम आगे चल रहा है
या नहीं चल रहा है या कैसा चल रहा है, वो सारी चीज़ों की उनसे पूछा जाएगा। अब वो फिर बताएंगे कि उसमें उनको क्या तकलीफ़ आ रही है, कहीं पे तकलीफ़ है तो वो तकलीफ़ बताएंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं करने का कारण भी बताएंगे। तो वीकली रिव्यू मीटिंग की शुरुआत, मतलब पहला जो मंडे आपका होता है, मंडे मंडे आपको MIS वाले के साथ में बैठना चाहिए, क्योंकि MIS वाला वो बंदा होता है जिसके पास पूरी जानकारी होती है, संस्था में क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन किसको लेके रखना है, वो MIS वाले को रखना है। मतलब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो MIS एग्जीक्यूटिव करके एक पर्सन रहेगा आपके ऑफिस में, वो ये मेंटेन करेगा। वो क्या क्या मेंटेन करेगा कि आपके आपके जितने भी विभाग हैं उन सभी को जो जो काम दिए गए हैं उस काम का क्या करंट स्टेटस है, वो चीज़ को वो ला के दिखा देगा। सबसे पहले मीटिंग आपने MIS वाले से की, फिर आपने अलग अलग फंक्शन हेड से बात की, जैसे ऑपरेशन के हेड से बात की, उसको बुलाया। आपके पास मैनेजमेंट वाले MIS वाले से तो आपने पहले ही इन्फॉर्मेशन ले ली है, आपके पास में पूरी जानकारी है। अब सामने वाला जो विभाग का हेड है वो आपके पास में आके बताएगा कि सर ये रही रिपोर्ट, रिपोर्ट तो आप पहले देख चुके हो। आपको ये मैच करना है कि जो MIS वाले ने बताया है और ये जो ऑपरेशन टीम का हेड लेके आ रहा है, क्या ये दोनों कॉमन है, मतलब सेम है? अगर सेम नहीं है तो जो डिविएशन उसके बारे में डिस्कशन करिए। देखिए ऑफिस में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो डिफॉल्ट वे में ही चलते रहते हैं, मतलब एक के बाद एक चलते ही जा रहे हैं। आपके इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? आपके इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पे कोई ना कोई तकलीफ़ है। तो आप अपने ऑपरेशन टीम के हेड से पूछिए कि भैया आपको क्या तकलीफ़ आ रही है। अगर जो तकलीफ़ आ रही है तो उस तकलीफ़ के बारे में डिस्कशन करिए, और उसके बाद उसको वो सॉल्यूशन दीजिए कि उसको क्या करना है या कैसे आगे बढ़ाना है। ओके, वैसे ही सेकेंड आप मंगलवार को है तो मंगलवार को दो विभाग के हेड से बात कर लीजिए आप, एक फाइनेंस वाले से, दूसरे ह्यूमन रिसोर्स वाले से। फाइनेंस वाले से आप ये पूछेंगे कि हफ्ते भर में पिछले हफ्ते जो अप्रूवल हुए थे उसके हिसाब से सारे पेमेंट आ गए या जो पेमेंट करने थे वो सब हो गए या नहीं हुए। जो फाइनेंस रिलेटेड और अदर एक्टिविटीज़ है, जो कंप्लाइंसेस होते हैं, जो गवर्नमेंट को हमें कुछ टैक्स पे करना है या अदर कुछ एक्टिविटीज़, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उनके उनसे रिलेटेड उनसे रिव्यू किया जाए, और अगर यदि उसमें कोई उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनसे वो डिस्कशन करिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्यों प्रॉब्लम आ रही है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप अपनी तरफ से दीजिए या सामने वाले से भी पूछें कि उसके पास कोई सोल्यूशन है क्या। ज़रूरी नहीं है कि सारे सोल्यूशन एक मैनेजर के ही पास में हो सकता है कि जो आपके स्टाफ है वो स्टाफ भी काफ़ी समझदार, क्योंकि जो फंक्शन हेड होता है वो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होता है। अगर उसके पास समस्या होती है ना, उसके पास उसका समाधान भी होता है, तो पहले आप उसके समाधान को सुनिए, जो वो कहना चाहता है वो आप समझ लीजिए, आप अपना दिमाग अप्लाई करिए वहाँ पे, और फिर डिसीजन लीजिए कि क्या सही करना चाहिए या किस तरह से काम आगे बढ़ाना चाहिए। सेम विथ ह्यूमन रिसोर्स वाले, ह्यूमन रिसोर्स में जितने भी पर्सन हैं उनकी अगर कोई समस्या है तो उन समस्याओं को दूर करना, ऐसे एसेट मैनेजमेंट वाली टीम होगी, अदर टीम होगी, बहुत सारी आपकी अलग अलग टीम होती है। एक बिजनेस जनरेशन वाली टीम होगी जो कि बिजनेस से रिलेटेड सारे काम को देखती होगी, कोई एक रिसीवेबल पेएबल से रिलेटेड काम देख रहा होगा। ऐसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और हर फंक्शन हेड से आप हफ्ते में कम से कम एक बार मीटिंग जरूर से करिए, आधे घंटे की। आपको दिन भर नहीं बैठना उसके साथ में, सिर्फ आधा आधा घंटा हर हफ्ते बैठना है, ताकि आपको किसी एक दिन है ना पूरा चार घंटे बैठने की ज़रूरत ना पड़े। हर हफ्ते अगर आप आधा आधा घंटा बैठेंगे एक फंक्शन के साथ में, एक फंक्शन हेड के साथ में, तो आपके सारे काम जो है ना स्मूथली चलते रहेंगे। और आपको इस काम के लिए रोज़ कम से कम एक घंटा देना है, और दो विभाग को कम से कम रिव्यू कंडक्ट करना है आपको, ठीक है। कई रिव्यू जो और अदर रिव्यूज़ जो होते हैं वो जैसे हमने वीकली देखा, ये मंथली रिव्यू भी होते हैं कुछ। जैसे अगर कोई टारगेट है तो टारगेट जनरली मंथ एंड पे या क्वार्टर एंड पे या हाफ ईयरली या ईयरली एंड पे अपन चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं कि महीने की आखिरी तारीख को आप रिव्यू करोगे। अगर आपका मंथली कोई टारगेट है तो कम से कम एक हफ्ता पहले आप उसको चेक करो कि क्या आप टारगेट जो है आप प्लान के हिसाब से कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर आप प्लान के हिसाब से चल रहे हैं तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कंटिन्यू करने दो। अगर कोई डिविएशन है, ऐसा डिविएशन है कि जो आप मतलब अगर 100 कंप्लीट करना था, 100 सेल करना था कोई सामान को,
और हमारा टारगेट अभी 20% ही अचीव हुआ है, 80 अभी अपने को और करना है और 21 तारीख आ चुकी है, तो कम से कम आपके पास अभी 7 दिन का समय है, 7 दिन 9 दिन का समय है कि आप अगले 7 दिन या 9 दिन को इस तरह से बिताएं जिसमें आप कम से कम 90% के आसपास में या 100% टारगेट आप अपना अचीव कर सकें। इस रिव्यू मीटिंग करने का फ़ायदा यही होता है, अगर कोई डिविएशन आ रहा है, प्लान के हिसाब से चल रहा है वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, रिव्यू मीटिंग में प्लान के हिसाब से जो चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देने का है, जो प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देने का है ना, क्योंकि हम टारगेट तो तभी अचीव कर पाएंगे ना, हमने जो प्लान किया है वो प्लानिंग अगर हम उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से हम काम जो करना चाहते थे या हमने प्लान किया था वैसा नहीं हो रहा है, तब वहाँ पे आपके इस रिव्यू मीटिंग का फ़ायदा है। ठीक है, अब किसी भी मीटिंग, रिव्यू मीटिंग चाहे रिव्यू मीटिंग ही क्यों ना हो, उसके लिए आपको एजेंडा बनाना पड़ेगा। रिव्यू मीटिंग में भी किस किस पॉइंट पर आप डिस्कशन करने वाले हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एजेंडा क्या होता है, एजेंडा क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ पॉइंट होने चाहिए, तो वो लास्ट वीडियो वाले में आप देख लेंगे। तो एजेंडा आपको इस रिव्यू मीटिंग के लिए भी बनाना होता है। रिव्यू मीटिंग खत्म होने के बाद में आपको क्या मेंटेन करना पड़ता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में क्या रहता है कि आपने क्या क्या डिस्कशन किया, आपने क्या क्या डिसीजन लिया, वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती है। और इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट रहते हैं वो सब इस लास्ट में इसमें साइन करते हैं कि हाँ हमने ये डिसीजन लिया है, ये डिस्कशन हुआ है और अब इस डिस्कशन या डिसीजन के हिसाब से आगे काम हम करने वाले हैं। ठीक है, इन सारे चीज़ों को हम रिकॉर्ड करके रखते हैं और सभी लोगों को एक कॉपी सर्कुलेट कर देते हैं, या तो आप हार्ड कॉपी फोटोकॉपी करके दे दीजिए या तो फिर आप अगर आप मेल पे दे रहे हैं तो आप मेल करके छोड़ दीजिए, सभी को ये पूरा मिनट्स ऑफ द मीटिंग मिल जाएगी। ओके, मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद में जो नेक्स्ट काम है, मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद में आपने सर्कुलेट कर दिया MOM, उसके बाद क्या काम बचता है, MIS वाले को फिर से बुलाइए कि भैया ये सारे पॉइंट डिस्कशन हुए हैं, ये सारे काम कंप्लीट करने हैं, हमने ये डेडलाइन रखी हुई है, ये सारे काम इस तरह से होंगे, इसके लिए इतना इतना बजट अलोकेट किया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन आप MIS वाले को दे दीजिए। और अब MIS वाले को बोलिए कि भैया अब आप लग जाइए, जो जो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी आप सभी फंक्शन हेड से आप मिलेंगे, बात करेंगे और उनको कोई तकलीफ़ आ रही है तो आप फिर से वहाँ पे मेरे पास आएंगे। आपका रोज़ का काम है कि क्या क्या काम जिस तरह से प्लान किया गया है उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, वो सारी प्रोग्रेस आपको आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रखनी है, ये एक MIS वाले का काम होता है। पहले ये सारा काम जो होता था ना, एक PA रखा जाता था एक असिस्टेंट के रूप में जो ये सारा काम को करता था, अब आप PA मत रखिए, PA की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में एक जो MIS एग्जीक्यूटिव है उसी को ही आप PA की तरह यूज़ करिए। ये बंदा सारी इन्फॉर्मेशन को एक तरफ बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सेव करके भी रखेगा और आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो आपके लिए अदर वर्क भी कर देगा जो एक PA करता है, चाहे वो मीटिंग अरेंज करने से रिलेटेड हो या कुछ ड्राफ्टिंग से रिलेटेड हो या और भी अदर, क्योंकि दिन भर MIS वाले के पास दिन भर काम नहीं होता है, उसको सुबह एक बार, दोपहर को एक बार और शाम को एक बार सारे हेड से बातचीत करना है और जो उनसे डेटा कलेक्ट हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उसको अपने सिस्टम में अपडेट करते रहना है, तो उसके पास काफ़ी सारा समय खाली मिलता है जिसमें वो अदर वर्क भी कर सकता है जो एक PA करता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट इफेक्टिव हैबिट क्या होती है, कौन सी होनी चाहिए एक मैनेजर में, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं।